smarthealer.pk के डॉक्टर ट्यूटोरियल के वीडियो नंबर 2 में खुशामदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ऐड पर्सनल इंफॉर्मेशन इन योर अकाउंट। ठीक है, तो चले चलते हैं वेबसाइट पे। तो वहाँ पे पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद आपने प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे है पर्सनल इंफॉर्मेशन, पहला टैब कनेक्ट हुआ है। इस पहले में आप सेलेक्ट करेंगे डॉक्टर या प्रोफेसर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ यहाँ से मेल या फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने मैंने लिख कर हाई MBBS डॉक्टर, यहाँ पे आप अपनी स्पेशलिटी लिख सकते हैं जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये आपके नाम के साथ आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद सेकंड नेम, और ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, जाहिद हुसैन। यहाँ पे 500 जो है ये यहाँ पे लिखा होगा स्टार्टिंग प्राइस कि आपका मिनिमम फीस कितना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और यहाँ पे अपने प्रोफाइल का, जो स्मार्ट हीलर का आपका प्रोफाइल है, उसका लिंक लिखना है। ठीक है, आपको ये लिंक मिल जाएगा यहाँ से। व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे और फिर व्यू प्रोफाइल के बाद वहाँ से अपना अकाउंट का लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है कि अगर आपने कुछ लिखना होगा, कि लिखना हो अपने आप के बारे में कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन द सिटी, आर यू गायनेकोलॉजिस्ट, आपने आपके बारे में जो लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाता है, ये आपका पर्सनल नंबर था, यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर अपने असिस्टेंट के, या आपसे जो पेशेंट कॉन्टैक्ट करना चाहता हो, तो आप यहाँ पे ये नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल नंबर ऐड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 वगैरह नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये है लैंग्वेजेस, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश, पश्तो और उर्दू सेलेक्ट किया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप मेंबरशिप, आप जिस सोसाइटी के मेंबर हैं उसी को मेंशन कर सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल स्पाइन सोसाइटी UK। ठीक है, और उसके बाद क्लिक करना है सेव एंड अपडेट पे, तो आपका अकाउंट हो जाएगा अपडेट, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।